हरिओम। आज वचित्र सत्संग है जिसमें क्यों 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 साधक के क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं। क्यों हमारे को आत्म उन्नति में बाधा आती है, क्यों सारा टाइम घबराहट होती है और अपने आप को आत्मा में नहीं जान पाते हैं, क्यों आत्मा में नहीं टिक पाते हैं, क्यों देह ध्यास लगता है, क्यों आत्मा का पूरे निश्चय नहीं होता है, क्यों दादा भगवान की पॉइंट है कि आत्मा कोई सीधी वस्तु नहीं है और फिर देह में उठना पड़ता है, तो इसको कैसे करें, क्यों 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 सुख दुख क्रोध में मोह में अपमान में आंखों में आंसू बहते हैं, यंग एज में दूर का चश्मा और ओल्ड एज में पास का चश्मा क्यों लगता है, क्यों यंगस्टर्स की दूर दृष्टि नहीं होती है, क्यों पत्थरों को पूजने की प्रथा को बनाई क्यों बनाई गई है, क्यों 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 इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिज्ञासु का होता ही क्यों है। अगर हम जिज्ञासु की स्टेज पर हैं अभी तो भगवान जी क्या बोलते हैं, जैसे तू जंप कर, बॉम्बे में समुद्र है तो जब लहरें जब पत्थर से टकराती हैं तो उछाल मारती है, तो तुमको भी जंप करने के लिए उछाल मारनी है। क्यों घबराहट होती है, अपने आप को आत्मा नहीं जान पाते हैं, क्योंकि अपने को देह जानता है। मिस्टर था ना, मिस्टर कहाँ है दिखाओ, ये सब इंद्रियों का नाम है ना, तू इनको जानने वाला है, तो इसमें इसीलिए वो आत्मा में घबराहट होती है। क्यों अभी तक हम घर को मंदिर नहीं बना सके, क्यों अभी तक मैं घर के प्रेमियों को कर्म प्राणी ही देख रही हूँ, उनको प्यार नहीं कर पा रही हूँ, क्यों खाना जो है वो प्रसाद खाली सुन लेते हैं। प्यारे बच्चों, करना शुरू करोगे अगर हमारे में चेंज आए तो क्या आप में नहीं आएगी। अगर वर्किंग है ऑफिस में जाते हैं, क्यों बॉस को तुम्हें एज ए फादर या एल्डर ब्रदर नहीं दिखता है, क्यों आत्म दृष्टि नहीं बनी है, क्यों देह दृष्टि चमार दृष्टि में हम जी रहे हैं, वो फिर भगवान जी की कृपा कैसे बरसे। क्यों जन्म इतना सुखद और मृत्यु इतनी दुखद लगती है, क्योंकि जन्म संसार और मृत्यु संन्यास है। तभी तो भगवान जी का वचन है, जीते जी मर जाओ। मृत्यु संन्यास है, जन्म अज्ञान और मृत्यु ज्ञान है, जन्म अमृत और मृत्यु विष है, जन्म अंत और मृत्यु शुरुआत है। द बिगनिंग इज ऑलवेज ए बिटर। यंग एज में दूर का चश्मा और ओल्ड एज में पास का चश्मा क्यों लगता है, क्योंकि यंगस्टर्स की दूर दृष्टि नहीं होती है, वो प्रेजेंट में जीते हैं और ओल्ड एज वाले प्रेजेंट में नहीं जीते, उनकी दूर दृष्टि ज़्यादा होती है। ब्यूटीफुल आंसर भगवान जी का। सुख में दुख में क्रोध में मोह में अपमान में आंखों से आंसू क्यों बहते हैं, ये क्यों कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्योंकि उस वक़्त हमारी बॉडी का केमिकल रिएक्शन बदल जाता है और आंसुओं के फॉर्म में प्रकट होता है। जो मनुष्य शरीर से ऊपर उठ चुका होगा वो किसी भी स्थिति में रोएगा नहीं। हम दूर से देखेंगे, आई एम नॉट दिस बॉडी। भगवान जी ने कितना हमें शरीर से उठा दिया, विच इज़ सो डिफ़िकल्ट। अद्वैत मत का ज्ञान है और उसको लोगों ने कितना डिफ़िकल्ट बनाया, और दादा भगवान दादा लक्ष्मी भगवान ने हमें सरल तरीके से दिया है, सरलता से हमें एक्सप्लेन करा है। अगर पहले दिन से हम मान जाते मैं एक आत्मा हूँ तो आज ये प्रॉब्लम कोरोना के समय तो बिल्कुल भी नहीं आती।
जो देहदया से ऊपर होंगे, क्वारंटाइन होंगे, हमें पहले से आदत होगी क्वारंटाइन की, तो ये मुश्किलें थोड़ी आएंगी। उन लोगों को मुश्किलें आई ना कितने सुसाइड कर लिए कोरोना के समय, बिकॉज दे कुन डू ऑल दिस, दे कुन टॉलरेट। बड़ी एज में ही जॉइंट पेन क्यों होते हैं, क्यों 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 के ऊपर ही आज सत्संग है। हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ मोड़ है वहाँ वहाँ जोड़ है, तो बड़ी एज में मन को मोड़ने में तकलीफ होती है, इसलिए सारे जोड़ों में दर्द होता है। दैट्स वाई स्मॉल चाइल्ड्स बॉडी सो फ्लेक्सिबल, बड़ों की वो स्टिफ हो जाती है, इसलिए योगा और भी ज़्यादा चाहिए होता है। तो बच्चों की बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, चीज़ें आसान हो जाती हैं। हमारे स्वभाव और संस्कार इतने दृढ़ क्यों क्यों होते हैं, क्योंकि ये हमें बाहर से थोपे गए हैं, ये हमारा ओरिजिनल रूप नहीं है। जैसे अज्ञान थोपा जाता है ज्ञान नहीं, संसार थोपा जाता है भगवान नहीं, तो देखो ज़्यादा दृढ़ क्या है, शरीर। देह ज़्यादा दृढ़ है आत्मा नहीं, संसार ज़्यादा दृढ़ है भगवान नहीं, स्वभाव संस्कार ज़्यादा दृढ़ है ज्ञान नहीं। बच्चा फ्यूचर की बात और बूढ़ा पास्ट की बात क्यों करता है, क्योंकि बच्चे को लगता है मेरा फ्यूचर ज़्यादा सुखद होगा, और बूढ़ा सोचता है मेरा पास्ट ज़्यादा सुखद था, और दोनों प्रेजेंट में दुखी हैं, और दोनों अपने प्रेजेंट से संतुष्ट रहें तो फ्यूचर और पास्ट की बात ही नहीं करेंगे। हर चीज़ का आधार चक्कर सर्कल क्यों, क्योंकि सृष्टि में कुछ भी स्ट्रेट नहीं है। पृथ्वी गोल, हमारे शरीर के साथ चक्कर गोल, व्हीकल में व्हील गोल, मशीन में स्पेयर पार्ट्स गोल, पैसा गोल, सूरज और चांद गोल, एवरीथिंग इज सर्कुलर बिकॉज इट्स ए कंटिन्यूज, नेवर कम्स टू एन एंड। आत्मा निश्चय नहीं करेंगे तो जिंदगी भर पछताएंगे, क्योंकि वाणी में ये सुना था लेकिन क्यों नहीं कर पाते हैं निश्चय। तो भगवान जी बोलते जब सत में रहेगा असत आपे ही छूट जाएगा, और तुमको जैसे वैराग्य आ जाएगा, ये भी क्या। कोई तुमको सोना भी दे, पत्थर भी दे, मिट्टी भी दे, तुम बोलेगा इसमें मेरी खुशी है, उसमें मेरी खुशी है, किस में मेरी खुशी है। रांका बांका की कहानी थी ना, दोनों ने मिट्टी सोना समझा था, तो क्या हमारी इस समय वो स्थिति है। अभी जब COVID-19 में तो पता ही नहीं होता था कि कल को हम भी कोरोना से उधर ही हम स्ट्रेट वे हमारी बॉडी रैप करके ले जाएगी, तो हमने अपने निश्चय तो नहीं करे कुछ भी। कितना कुछ सिखाया है कोरोना ने हमें, टू बी रेडी फॉर टू गो फ्रॉम द वर्ल्ड, वी डोंट नो। जो इधर संगत में खुशी है वो पदार्थों में कौन सी खुशी है। प्रोग्रेस क्यों नहीं होती, फिर क्यों का जवाब है, क्योंकि हमारा परहेज नहीं है। मैंने परहेज करा और मैं आपके सामने हूँ, आज आप सुन रहे हो। मैं भी ऐसा जीवन जी रही होती तो सरस्वती तो नहीं बैठती, भगवान जी की कृपा नहीं होती, ऐसे कैसे हो सकता है। रहनी नहीं होगी तो कहनी कथनी कहाँ से आएगी। आप भी करिए, देखिए, जांचिए अपने को। निश्चयात्मक बुद्धि क्यों नहीं होती है, क्योंकि देह दृष्टि में कुछ नहीं होगा। तुम अपने को नहीं बुलाएंगे, देह दृष्टि से बात करेंगे, कोई बेटे की बात लेके आएगा, कोई बेटी की बात, कोई माया की बात, तो मैं रख के क्या करें। तुम देखते क्या है, अनदेखे को याद करो। भगवान जी ने हमेशा बोला जो देखा है वो भूल जा, जो नहीं देखा है वो देख। इसी में तो मजा है। आकाश को देखो, कहाँ समय मिलता है। शाम को हमारे लिए टिमटिमाते तारे हैं, चांद है, इतनी ऊर्जा है, और हम अंदर घुसे हुए हैं, हम वो एंजॉय नहीं कर रहे। धीरे धीरे कलयुग का समय आएगा, आकाश में क्या दिखेगा हमें। इसलिए जो नहीं देखा वो देखना होता है, वो हम देखते ही नहीं हैं। बहुत मज़ा करा जब तक भगवान जी नहीं मिले थे, अभी भी वैसा ही करें। कितनी पढ़ाई है, हो। एंड इफ़ यू आर मोर इंटरेस्टेड अबाउट फिलॉसफी ओवर सूर्य चांद तारे तारामंडल नवग्रह स्थाईस रोहिणी नक्षत्र, ये सब
जानना हो तो पागल हो जाए। फिर भगवान जी बोलेंगे माता तू तेरे को ज्यादा जानने से क्या मतलब है, तू खाली मुझे जान है ना। ग्रस्त का मीनिंग है मतलब जो ग्रह में स्थित है, जो देह रूपी घर में रहता है। जैसे एक ब्रह्मचारी भी अगर शरीर से मोह रखता है तो वो गृहस्थी है, और एक गृहस्थी भी अगर देह से अलग है तो वो ब्रह्मचर्य में है। बाकी वो नवग्रह है, राहु शनि केतु ये सब बनाए हैं ना। जो प्यार नहीं करेगा तो केतु दुश्मन बनते हैं, वैराग नहीं लेगा तो राहु जी आ जाएंगे, राहु हमें वैराग दिलाएंगे। पैसे का संग्रह करेगा तो शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा, ज्ञान नहीं बांटेगा तो बुध और गुरु कमजोर हो जाएंगे, दूसरों का भला नहीं करेगा तो मंगल भारी हो जाएंगे, न्याय नहीं करोगे तो शनि भारी हो जाएंगे, अकेले जिएगा तो सूर्य कमजोर हो जाएंगे। इन 9 ग्रहों से भी अगर हम नहीं सीखेंगे तो भगवान के 10वां ग्रह बोझ भेजना पड़ेगा। उसी के कारण ये सब प्रलय आती है, कोरोना आता है, ये सब आता है प्यारे बच्चों, समझे। आज इस बात का मज़ा ले लो, धीरे 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 और छोटी छोटी बातें आपके लिए बन रही होती हैं। थोड़ा 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 सब कुछ करिए, रहनी आपकी दी है आपको, किस तरह से सुबह उठना है आपने, कैसे चलना है, ये सब दे रहे हैं कमेंट में। और क्यों पूछो तो मैं आपके लिए बना दूं। एक दो ने बोला है अच्छे के साथ बुरा और बुरे के साथ अच्छा क्यों होता है, विल गिव यू दिस ऑल्सो। समबडी वॉन्ट्स टू नो ब्रह्म मुहूर्त में 3:40 पे क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, मेरा पिछला जाइए तो उसमें मैंने दिया भी हुआ है। लेकिन क्यों का और भी करिए आप, शायद आप भी जाग जाएं थोड़ा और आपकी जिज्ञासा पता चलेगी। भगवान जी ने कितने 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 प्यारे क्यों 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 के क्वेश्चन ही तो हैं, वो जिज्ञासु है जो क्वेश्चन करता है। डॉक्टर के पास जाते हो तो शरीर के क्वेश्चन करते हो, इधर मन के डॉक्टर हैं। ऑल राइट, आज हल्का हल्का आपको हल्का रखने के लिए, कोई भारी चीज़ नहीं है, आज खुश हो जाइए। पता नहीं कईयों को भारी लगेगी, फिर इससे हल्का है तो फिर तो हम हल्के ही रह गए। नो 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 नो। हरि ओम प्यारे बच्चे, भगवान जी के खूब हंसा करो, खुश रहो, जाना तो है हमने, हम क्यों ना खुशी, प्रसन्न चित आत्मा के अंदर भगवान बैठता है। एन्जॉय करो हर चीज़ को, पॉजिटिव लो। आपको वो इतना बड़ा एटीट्यूड का बताया था मॉस्किटो का, मच्छर के माँ बाप बैठे हैं, बच्चा पहली बारी फ्लाइट लेके पूरा चक्कर मार के आ गया, एंड माँ बाप ने पूछा हाउ वाज योर फर्स्ट फ्लाइट, ही सेज वाह ब्यूटिफुल, पीपल वर क्लैपिंग। वो मार रहे थे मच्छर को और उसने पॉजिटिव लिया। इसके आगे और हम इंसानों को क्या सोचना चाहिए, जो हमें डांट रहा है वाह भगवान इस रूप में तो कर रहा है, वाह भगवान थैंक यू भगवान थैंक यू भगवान, तो ऐसा अंतःकरण बहुत प्यारा बन जाएगा और खुशहाली से एक एक दिन हम खुशहाली से जिएंगे। हरिओम हरिओम, गॉड ब्लेस।